कहाँ हैं सब? हेडी भाई रोहन जल्दी आ यार, मुझे वॉशरूम जाने है। आपा जाऊं? सीधे खड़े रहो। क्या हो गया? आ गया क्या? सबसे पहले तो तुम तीनों अपने मोबाइल यहाँ रख दो। क्यों क्यों मामा? बट व्हाई? क्योंकि मैं बात करना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे बात के बीच में फोन बजे। जेम्स फोन ले लो सबसे। अभी लेता हूँ। शराफत से दे दो। अरे फैटी भाई का फोन। कान भाई मेरा भी मालिक से भी दे। अब ये बताओ कि रात को 3 बजे कौन सी इमरजेंसी मीटिंग हो रही है? मैं सो गया था। हम तो 11:30 बजे सो गए थे। अच्छा, और तुम क्या कहकर भागे थे तुम? मामा मैं तो सच बोलकर भागा था ना। ये भूत तुम्हारे सर से उतरेगा नहीं। ठीक है, मैंने भी एक फैसला किया है। मां हम ये किसका फोन है? हेलो फ्रेडी, पापा तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना चाह रहे हैं। देखो वो तुम्हें कॉल करें ना तो प्लीज कोई बहाना कर देना, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और जो सही बात है, मेरा तुम्हारे से शादी करने का कोई इरादा नहीं है। बहुत फजूल इंसान हो तुम फ्रेडी। वाह भाई वाह, मजा आ गया। आपा पापा मिलना चाहें तो मना कर देना। मगर उसने तुम्हारे बेटे को फजूल कैसे कहा? उसकी इतनी हिम्मत? ये है ही फजूल इंसान। मैं भी तो देखूं कौन से हीरे जड़े हैं। इसके अब्बा का फोन आए तो कहना कि हम चाय पर आएंगे। हाँ छोड़ो, बेल से ही पता लग रहा है कि चुपताई का फोन है। चीची आई एम सॉरी, देख मेरी वजह से जो नुकसान हुआ है ना वो सारा मैं भरूंगी। आई प्रॉमिस। अच्छा ही होता अगर बी जान उस दिन तुम दोनों को गोली मार देती। अरे जान छुट जाती मेरी तुम दोनों से। चुपताई के नंबर पर किसका फोन आया था बताना जरा। भाई साहब आपको क्या मसला है भाई? अरे इसकी महबूबा का, जिस पे ये गाड़ी निसार करके आए। तो मामा फिर मैं जाऊं, फोन दे दे। अच्छा तू भी गोली खाएगा? हाय अल्लाह, मेरी वाली ने कैसे कॉल कर ली, वो तो कभी नहीं करती। दाहनिया बीबी किसी की कमी थी। हेलो, हाँ मेरी बात सुनो, आज रात को फिर से कहीं भागने का इरादा तो नहीं है? लेने आऊं? तो और क्या, गलती से कर ली होगी। मैंने भी ना एक फैसला किया है और सुन लो तुम दोनों, इस घर में उस फिल्मी खानदान से सिर्फ एक ही बहू आएगी, या सनम या तान। सनम या मामा जी मेरी मंगनी हो चुकी है, मेरी शादी पहले होगी। मंगनी टूट भी सकती है मेरे बेटे, सनम आएगी। मामा जी आपका प्यार झूठा है, मेरा सच्चा है। अरे भाई झूठा निकलेगा तेरा, बेफिक्र हो जा, सनम आएगी। मामा मेरी इंजीनियर। अरे बस भी करो, जान लोगे क्या एक दूसरे की? शाम तक का वक्त है तुम दोनों के पास, फैसला कर लो कि कौन बनेगी इस घर की बहू। हद हो गई है सवेरा, क्यों मामा भांजे को लड़वा रही हो? अरे इन दोनों ने भी तो मेरा कितना खून जलाया, आशिकों का मैदान बना के रखा हुआ है घर को। और फ्रेडी तुम इस लड़की की वजह से पाकिस्तान में रुके ना,
तो और क्या? बिल्कुल नहीं मामा, मैं तो मामा जी की मदद करने के लिए रुका था। झूठा। मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा, और ना ही मुझे शादी करने का कोई शौक है, और अगर शादी करूंगा भी तो मामा आपकी मर्जी से करूंगा। झूठा मकार। अच्छा मामा मुझे छोड़े ना, इन दोनों की सोचें, रात तक क्यों वेट करना है, अभी फैसला कर लेते हैं। भाई अगर दोनों ही आ जाए तो इसमें क्या बुराई है? करेक्ट भाई साहब। चुप रहे आप तो, बताओ कैसे? अब टॉस कर लेते हैं। टॉस नहीं फ्रेडी। फिर क्या मामा जी? मुकाबला होगा। अच्छा मैं भी तैयार हूं। तो फिर हो जाए शादी मुकाबला। मैं तो देखने तक भी नहीं आऊंगा ये घटिया मुकाबला।